राम राम एनटीभी कोलपुरका ठारुभाषक समाचारमा स्वागत बा म कृष्ण चौधरी सुरुमा मुख्य समाचार पश्चिम नेपालकै थारू बाहुले तारहलग जिल्लामा आज बर्का अटवारी तिहार धुमधामके सँग मनाजैती तिहारकै अवसरमा लुम्बिनी प्रदेश सार्वजनिक बिदा पानी परल पाछ काल सन्ध्यासे कर्णाली राजमार्ग फेडोस बन्द बन्द सडक खोलेना प्रयास जारी आज 58 औं अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मेरमेरकै कार्यक्रम कर्ख मनाजैती साक्षरता अभियानका 16 वर्ष बितबेरफे लक्ष्य भरिक आढ औ राष्ट्रिय गौरवकी आयोजना रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजनाकी म्याद ओरैना 10 महिना बाँकी आयोजनाको प्रगति 74% सीमित पश्चिम तराईकै थारू समुदायमा आज बर्का अटवारी तिहार धुमधामकै सँग मनाजैती रहलबाट कुशी औसी पाछक पहिलक अटवार मनैना यी तिहारमा दादु भैया वा दिदी बहिनियाके सम्बन्ध हन प्रघात बनैना पर्वकीय रूपमा न खासकै ख थारू समुदायक थारू मनै वर्त वैष्णाकर्ठ द्वापर युगमा न पाँच पाण्डव मध्येकी भीम अर्थात् फेवा थारू रजुवा डङ्गी शरण हन युद्धमा न सहयोग करल विजयकै रूपमा न पूजापाठ वर्त वैष्णा चलन रटी आयलबा पश्चिम नेपालको डाङसहित थारू बाहुलेटा रहलक बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर लगायतका जिल्लामा आज अटवारी पर्व हर्षोल्लासकै सँग मनाजैत रहलबाट दादु भैया वा दिदी बहिनियाकै सम्बन्ध न प्रघात बनेना यी तिहारमा न थारू समुदायक थारू मनै खासकै खन वर्त वैष्णा कर्ठ आज अटवारी वर्त हुइलक उहर्से आज दिनभर वर्त वैष्णा हुक्र गैल रात मुर्गी निबस्ती मिथ मात परिकार भिनसरिया भातके रूपमा न खैना चलन रहलबा मछि मठि गेक्टा मठि पकैठी सन्ध्या डर खैठ रातके आज जुनुक आइतबार होस् महाभारतकै कथा अनुसार पाँच पाण्डव मध्येकै भीम रोटी पकैती पकैती कौरव भुकनसँग युद्ध लर गैल ओ युद्ध लर्खन घुमबेर फुखाइल भीम एक कर केल पक्लक रोटी खाकन फुक मेटाइल किवडन्ती रहलबाट यही विजय प्राप्त करल दिनसे हरेक वर्ष थारू समुदायकी मनै कुशे औँसी पाछक पहिलक अटवार वर्त वैष्णा ओ दिन बुरुवा सन्ध्या भीमके पूजापाठ गर्ना चलन रहल थारू समुदायकी विश्वास रहलबा खासकै किन महाभारतकी युद्धमा जस्तै कि लडाईँ जितके अइल लडाईँ जितके अइलक पाँच पाण्डव हुक्र युधिष्ठर भीम अर्जुन नहकुल सहदेव कहिके हाम्रो चिन्थे पाँच पाण्डव मध्येके भीम एक बलवान रह बलवान भीमके सम्झनामा चाहिँ हाम्रा अखि यी अटवारी पर्व चाहिँ मनिटे यति बाटे आज सन्ध्या वर्त टोर्लक हुक्र काल सोमारक बिहान लगभग जलाशयमा जाखन लाहाखोर कैखन दाल भात गुडा मच्छी कैठा टोरैया गब्डा लगायतका तिनक परिकार कहारखन आपन दिदी बहिनीका लाख कोसेली अर्थात् अग्रासन छुट्या जैठा ओ पूजापाठ कैखन वर्त टोर्ना कैजिठा असिकन छुट्याइलक अग्रासन फुवासुइलक चेली बेटिनके घरमा न डिहे जैना चलन रहलक थारू जानकार हुकनक कहाइ रहलबा तर पाछक समयमा यो असिन संस्कृति लोप हुइना अवस्थामा पुगलबाट यी संस्कृतिक संरक्षण गर आवश्यक रहलक थारू कल्याणकारिणी सभा दाङ क्षेत्र नम्बर एक पूर्व अध्यक्ष चेतराम चौधरी जनाइलबाट भाषाहरू लोप हुँदैछन् र हाम्रा संस्कारहरू पनि लोप हुँदैछन् र यी संस्कार र भाषा भाषीहरू संस्कृतिहरू लोप नहुन् भन्ने उद्देश्यले यो थारू कल्याणकारीले निरन्तर प्रयास गरिराखेको छ र जसले गर्दाखेरि आफ्ना कसरी बचाउन सकिन्छ त संस्कार संस्कृति भन्ने उद्देश्य लिइराखेको छ आपसी सद्भाव शुभकामना प्रकट कैखन मनाजेन यी तिहार हन आफन्त सङ्के भेटघाट सुख दुःख बटना वा आत्मीयता बढिना अवसरके रूपमा न लेजिठा यही अवसरमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार थारू समुदायिक बसोबास धेर रहल छ जिल्लामा आज सार्वजनिक पीडा फेडिहेल्बा दाङसे हेमराज नेपालीकै रिपोर्टसँग कृष्ण चौधरी एनटिभी कोहलपुर ऋषि पञ्चमी तिहार आज नेपाली नारी हुक्र अरुधन्ती सहित सप्तऋषिक पूजाकै खन मनाइती रहलबाट हरेक वर्ष भदौ शुक्ल पञ्चमीकै दिनमा मनैना यी पर्वमा महिला हुक्र बिहानी उत्खन नित्य कर्मकै खन लगक खोल्वा लड्या टलुवा पोखरीमा न जाखन 365 ठोर डट्युनले दाँत मिस्ना लहिना कर्ठ स्नान करल पाछ अरुधन्ती सहित अत्रि गौतम भारद्वाज जन्मग्नी वर्षिष्ठ काश्यप स्वामी मित्रको पूजा गर्न चलन रहलबाट नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिकै सदस्य एवं धर्मशास्त्रविद प्राध्यापक डाक्टर देवमणि भट्टराईको अनुसार आज सप्तऋषि पूजा गर्न पञ्चमी हुइलक उहर्से आजको पञ्चमी हन ऋषि पञ्चमी कनाफे कैजिठा आज स्नान कैखन पूजा करल पाछ अपनहे जमलक अनास सामा कागुनो कन्दमूल गब्डा लगायतका खाखन वैशपरना व्रत विधि रहलबाट ऋषि पञ्चमीक लाग आज देशभर ऋषिकेश मन्दिर मन पूजाके लाग श्रद्धालु महिला भक्तजन हुकन भीर लग्ना करलबा
कर्णाली राजमार्ग फेडोस बण्डहिलबाट पानी परल पाछ काल सन्ध्या खन कर्णाली राजमार्गक शुभ कालिका एक एस मोड मन पठरा सहितक माटीसे राजमार्ग अवरुद्ध हुइलग हो अस्तकन गगने खोल्हो मन सडक भटकल जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटक प्रमुख अर्जुन केसी जानकारी दिहलबाट हुंकार अनुसार सडक पूरा रूपमन अवरुद्ध हुइलबाट बण्ड सडक खोलेना प्रयास होइटी रहल कालीकोटक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश नेपाली जानकारी दिहलबाट एकराघ गैल भदौ 12 गते बाहर पहिरोले बन्द सडक 5 दिन पाछ खुल्लक रह एकरबेस जाजरकोटक बारीकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 6 घुमामन पहिरोले घर फटकबेर बेपत्ता हुइलक ओडा सदस्य दम्पति केशव फ्याला परलबाट गैल रात पहिरो मन पुर्गिलक दम्पति केशव आस बिहान खन निकारगिलक जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोट जानकारी दिहलबाट गैल रात पहिरोले घर पुरबेर जाजरकोट गाउँपालिका 6 महिला वडा सदस्य 38 वर्षक प्रेम कुमारी चलाउने व हुंकार ठरुवा मान बहादुर चलाउने पुर्गिलक रह अस्तकन पहिरोमा पुर्गिलक हुंकाहा 19 वर्षक छाई सम्झना चलाउने के उद्धार कैखन नेपाली सेनाके हेलिकप्टर मन से कर्णाली प्रदेश अस्पताल कालागाउँ मन उपचार कला पठागिल बा समाचारका क्रम जारी रहल बा अबकलाके घची विषय हमार कला संस्कृति हमार पहिचान संस्कृति बचैना हमार अभियान आई एकजुट होख हमरो जगाई पुरखन के सैदान जनचेतना के लाख एनटीवी कोहलपुर विशाल पास स्वागत बा आप बाकी समाचार आज 58 अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस नेपाल मनाफे मेरमेरके कार्यक्रम करखन मनाजैति रहलबाट हरेक वर्ष सेप्टेम्बर 8 तारीख के दिन साक्षरता दिवस मनाइना कैजी था यी पर्व बहुभाषिक शिक्षा के प्रवर्धन पारस्परिक समझदारी व शान्तिक लाख साक्षरता का नारा सहित अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मना जाती रहलबाट सरकार 2 वर्ष भीतर निरक्षरता उन्मूलन करना कैखन संचालन करलक राष्ट्रीय साक्षरता अभियान 16 वर्ष बीतबेर फे पूरा भी सकलकनी हो सरकार 2065 साल मन अभियान के शुरुआत करलक रह याकर पाछ हरेक वर्ष अभियान संचालन हुई टियालबाट 1.5 दशक मन झंड 12 अर्ब रुपया खर्च होस्याकलबाट शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र के अनुसार नेपाल मन आबसम्म 64 ठो जिल्ला साक्षर घोषणा हुइलबाट अब 13 ठो जिल्ला घोषणा हुइना बाँकी रहलबाट बागमती गण्डकी व कोशी बाहेक प्रदेश साक्षर घोषणा हुइना बाँकी नै रहलकबाट घोषणा हुइना बाँकी मन मधेस प्रदेश सक्कु जिल्ला सप्तरी सिराहा धनुषा महोत्तरी सरलाही रौतहट बारा पर्सा रहलबाट अस्तकन कर्णाली प्रदेशक मुगु जुम्ला हुम्ला कालीकोट डोल्पा रहलबाट आबसम्म 85% जनसङ्ख्या साक्षर हुइलक मुका कहि रहलबाट ऐना वर्षसम्म नेपाल हन साक्षर नेपाल घोषणा कैखन सिकाइकी अवसर हन सुनिश्चित करना सरकारके उद्देश्य रहलबा डाङ्क घुराही स्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मन एमबीबीएस पढाइ सुरु हुइना हुइलबाट चिकित्सा शिक्षा आयोग एमबीबीएस पढाइ सञ्चालनक लाग 85 सुनिश्चित करगिलबाट जहाँ मन 85% छात्रवृत्ति मन विद्यार्थी एमबीबीएस पढ पैना रजिस्ट्रार श्याम लमसाल जानकारी दिहलबाट प्रतिष्ठान करिब 7 वर्ष पाछ एमबीबीएस पठन पाठन कर लगलक आयोग से अनुमति पैलग हो अब प्रतिष्ठान मन एमबीबीएस सो एनएस बीएनएसए नर्सिंग व चिकित्सक एमडी के पठन पाठन हुइटी रहलबाट अब एमबीबीएस पढक लाग जिल्ला मन बाहर जाय परना अवस्था का अन्त हुइना हुइलबाट एकर आग्रह नमा समय शैक्षिक कार्यक्रम सुरु निहिबेर जिल्ला मन व्यापक आवास उठना करलक रह उहफे अब हरेक वर्ष शैक्षिक कार्यक्रम थप लागल पाछ जिल्ला मन उत्साह थप लागलबाट राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल हन अब राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनागिल बा निर्माण व्यवसाय समयमा पुल निर्माणके काम निकर बेर गुल्मीके सदरमुकाम तमघास से पश्चिम हर्क व्यस्त सडक मन पुल निहिबेर बर्खक समय मन ऐना जैना कर समस्या हुइना करलबाट जिल्लाको तमघास सिमलतारी सडक अन्तर्गतक राजमार्ग गुरुवा हुलाके थनार्जी 84 ओ सिमलटारी लगक खहरे खोलो मन पुल निहिबेर छोटी बडा सवारी साधन व पैदल यात्रुन समेत ऐना जैना कर समस्या हुइना करलबाट पुल निहिबेर बर्खक समय मन जिल्ला सदरमुकाम तमघास ऐना जैना
कर ढेर दुख ख्याप्ती आयल बाट बर्खक समय मन सुरक्षित तो भरपर्डो राजमार्ग मानगिलक मदन भंडारी राजमार्ग मन पुल निहिबेर जोखिम ओल्खन लद्या टर्क पर्ना बाध्यता रहल बाट पुल निहिबेर सामान्य पानी प्रवेर समेत डगरी मन रुवाक पर्ना सर्वसाधारण व सवारी चालक के बाध्यता रहल बाट यी चार ठो पुल निर्माण कलाक भ्याट सहित 19,26,55,200 रुपया लागत मन निर्माण का काम हुईटी रहल बाट चार ठो पुल दुई ठो निर्माण व्यवसायी काम करती रहल बाट समय में काम पूरा कर निशा के बेर बर्खा के ब्याल मन करा जोखिम मोलखन यात्रा कर पर्ना बाध्यता आम्हीन फे कायम रहल बा समाचार का क्रम जारी रहल बा फिर से घची विषय हाम्रो इतिहास पहिचान र मूल्य मान्यताहरूको प्रतिबिम्ब हो हाम्रो संस्कृति तर द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेको संसारमा हामीहरूले आफैलाई सोधौँ के हामीले हाम्रो संस्कृति जोगाउन पर्याप्त प्रयासहरू गरिरहेका छौँ विश्वव्यापीकरण र प्रविधिको विकास सँगसँगै हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा र संस्कृतिहरू बिर्सिने जोखिममा छन् परम्परागत प्रचलन भाषा र वेशभूषाहरू लोप हुँदै गइरहेका छन् तर आशा छ चाडपर्वहरूदेखि लिएर धार्मिक स्थलहरू र कलाकृतिहरूको संरक्षण गर्न र यसको प्रवर्धन गर्न मानिसहरू एकजुट भइरहेका छन् हाम्रो संस्कृतिको संरक्षणले हामीलाई हाम्रो विगतलाई सम्मान गर्न मात्र होइन यसले रचनात्मकतालाई पनि प्रेरित गर्दछ र आर्थिक विकासका लागि पनि आधार हो हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा एक पुस्तादेखि अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुने हुँदा यो हामी र हाम्रो प्रयासमा निर्भर छ आऊ आफ्नो पहिचान र संस्कृतिलाई संरक्षण गर्न एकजुट हौ अपनाबा एनटिभी कोल्पुर हेर्ति रहल बाटी आप बाँकी समाचार डेढ दशक आघ सुरु हुइलक राष्ट्रिय गौरवके आयोजना रानी जमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजनाके म्याद त ओरैना 10 महिना केल बाँकी रहल बाट नेपाल सरकार ओ विश्व बैङ्कके साझेदारी मन आब 2066 आर्थिक वर्ष 2066-67 सालसे सुरु हुइलक आयोजना कैलालिक दक्षिण पूर्वी क्षेत्रक किसानक परम्परागत सिंचाइ प्रणाली हन व्यवस्थित कर्ति आधुनिक 12 महिना सिंचाइके पहुँच मन पुगेना उद्देश्यले थर्गिलक रह कुल 14,300 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइके सुविधा पुगैना लक्ष्य रहलक आयोजना विश्व बैङ्कसँग सम्झौताके अनुसार चालु आर्थिक वर्षक असारसम्म सम्पन्न हुइति रहलबाट म्याट ओरैना 10 महिना खेल बाँकी रहबेर आयोजनाके प्रगति भरिक 74% सीमित रहलबाट 27,70,00,000,00,000 रुपियाँके खरिद गुरु योजना स्वीकृत हुइलक आयोजना गैल आर्थिक वर्षसम्म करिब 20,00,000,00,000 बजेट खर्च कर्स्याकलबाट भौतिक प्रगतिके आधारमा आयोजना करलक खर्च सन्तोषजनक रहल सेफे म्याथ ओराइबेरसम्म 100% प्रगति हुइना सम्भावना बहुत कम रहलक रानी जमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजना कार्यालयकी सूचना अधिकारी नवीन पौडेल जानकारी दिहलबाट कैलाली जिल्लामा नगरी बालीक रूपमा खेती हुइटिएलक खुजी बारीक क्षेत्र विस्तार हुइसकलक नि हो खुजी खेतीमा संलग्न किसान हुकन बिया मल लगायतका जरुरी सामान अनुदानका कार्यक्रम निहिबेर खुजी खेती विस्तार हुई निसकलग हो उत्पादित खुजीक बजार अभाव रहल मन किसानके आकर्षण घटि गेल कृषि ज्ञान केन्द्र कैलाली जानकारी दिहलबाट प्रदेश सरकार जिल्लामा खुजी खेतीमा संलग्न किसान हुकन आबसम्म कौनो अनुदानके कार्यक्रम उपलब्ध निकरेलक किसान हुक्र जानकारी दिहलबाट ज्ञान केन्द्रके अनुसार जिल्लामा 25 वर्ष आग 700 हेक्टर क्षेत्रफलमा विस्तार हुइलक खुजी खेतीक क्षेत्रफल खटखन 225 हेक्टर मन पुगल बा हरितालिका 30 के दिन रेकर्ड बनैलक स्वानक भाव आज घटलबाट सुकक 30 के दिन ट्वालक 1,300 रुपियाँ बहरखन लो रेकर्ड बनैलक स्वानक भाव आज ट्वालमन 1,200 रुपियाँ घटखन ट्वालमन 152,100 रुपियाँ मन कायम हुइलक नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घ जानकारी दिहलबाट सुकक स्वानक भाव आवश्यक धेर ट्वालक 153,300 रुपियाँ पुग्लक रह सकनास चाँदीक भाव फे घटलबाट ट्वालकको 45 रुपियाँले घटखन चाँदी आस ट्वालक 1,750 रुपियाँमा कारोबार हुइति रहल महासङ्घ जानकारी दिहलबा
अब खेल समाचार इन्फा महिला लिग फुटबल मन कोशी प्रदेश लगातार ट्यासर जीत हाथ पारल बाट ललितपुर का साधु बाटो मन रहलक इन्फा कम्प्लेक्स के मैदान मन आस हुईलक खेल मन कोशी कर्णाली प्रदेश न 4-0 गोल अंतर ले हटेलक हो कोशी लाखपुर पूर्णिमा राई दुई गोल कर्ली कलशे समीक्षा मगर ओ प्रतीक्षा राई समान एक एक गोल कर्लबाट यी जितसँग कोशी 3 खेल मन 9 अङ्क सहित तालिकाक शीर्ष स्थानमा रहलबाट कर्णाली भरिक 3 खेल मन 1 अङ्क सहित 9 स्थानमा रहलबाट प्रतियोगिता मन अब बागमती युथ क्लब ओ नेपाल पुलिस क्लब खेलती रहलबाट एन्फा महिला लिग फुटबल मन आज से 73 चरणके खेल सुरु हुइलग हो अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा आयोजना मन हुइति रहल लिग मन 10 टोलीके सहभागिता रहलबा समाचार रैना से पहिले फेक छ मुख्य समाचार पछि नेपालका थारू बाहुलेटा रहलक जिल्ला मन आज बरका अन्तवारी तिहार धुमधामके सँग मनाजैती तिहारके अवसरमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा पानी परल पास काल संध्या से कर्णाली राजमार्ग फेडोस बन्द बन्द सडक खुलेना प्रयास जारी आसन थाउनौ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस निर्मिरके कार्यक्रम कर्ख मनाजेती साक्षरता अभियानकी 16 वर्ष बितबेर फे लक्ष्य भरिक आध राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानी जमराको लरिया सिसाइ आयोजनक म्याट ओरिना 10 महिना खेल बाँकी आयोजनाको प्रगति 74% सीमित लिटर थारू भाषिक समाचारकै क्रममा रह बिदा दि राम राम।